हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टाइटल ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? तो सही उत्तर होगा हेरोडोटस। ठीक है, तो ग्रीक ऑथर हैं, हेरोडोटस हैं, उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और उनकी एक बुक है हिस्टोरिका, जिसमें इंडियन और पर्सियन का रिलेशन 5th सेंचुरी में दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? तो देखिए, मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त इज अ ड्रामा इन संस्कृत। संस्कृत में लिखा हुआ ड्रामा है ये, और ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है चंद्रगुप्त कौटिल्य के असिस्टेंस से कैसे नंद को ओवरथ्रो करते हैं, उनके जो है गद्दी से कैसे उतार देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। याद रखिएगा, ये गुप्ता पीरियड का है, गुप्ता समय का है, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और नंद के बारे में वर्णन है। इट ऑल्सो गिव्स अ पिक्चर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्यास। ठीक है, क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी मौर्य के समय में, ये भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ठीक है, तो गुप्ता एरा में कौन कौन सी चीजें लिखी गई थी? देखिए, ऑप्शन हमारा है अमरकोश, काम सूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो ये सारे ही जो है ये आपके ये गुप्ता पीरियड के लिखे हुए हैं। तो सब कुछ जो है गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड भी इसीलिए कहते थे। तो देखिए, संस्कृत लिटरेचर रीड्स इसके अपने पीक पे पहुंच चुकी थी गुप्ता के टाइम पे। दिस एरा इज नोन एज द इक्वल राइटिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज और पोएट्री दोनों ही जो है, दोनों का ही वो जो है बहुत ही शीर्ष पे थी अपने गुप्ता के समय में। ठीक है, अमरकोश बाई अमर सिंह एंड कामसूत्र बाई वात्सायन। ठीक है, तो अमरकोश किसने लिखा था? अमर सिंह ने लिखा था, और कामसूत्र के रचयिता थे वात्सायन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए, मेघदूत बाई कालिदास। मेघदूत को कालिदास ने लिखा था, और मुद्रा राक्षस बाई विशाखदत्त हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, दीज ऑल फोर लिटरेरी वर्क्स बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दस कुमार चरितम। ठीक है, कौन सा है? दस कुमार चरितम वॉज कम्पोज बाई, तो देखिए, दांडिन ने जो है दस कुमार चरितम को लिखा था। दांडिन जो है कंपोजर है दस कुमार चरितम के, देख लेते हैं। देखिए, सूरदास ने क्या क्या लिखा है, एक बार ये समझ लीजिए। सूरदास की रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। क्या है? सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दांडिन। ठीक है, या दांडी बोलते हैं, दांडिन बोलते हैं उन, वो जो है उन्होंने लिखा था दस कुमार चरितम। तुलसीदास की रचना है रामचरित मानस, विनय पत्रिका और कवितावली। ठीक है, रामचरित मानस, विनय पत्रिका और कवितावली। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभोम और मल्लिकाग मित्रम। ठीक है ना, नेक्स्ट है मेघदूत। तो मेघदूत भी जो है किसका है? कालिदास का ही है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट दस कुमार चरितम? तो अभी आपने देखा दांडिन ने दस कुमार चरितम लिखा था। कुमार संभव एन एपिक पोएम इज कम्पोज बाई, कालिदास ने कुमार संभव लिखा था। ठीक है, Which of the following drama was not written by कालिदास? कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था, ये बताना है। तो देखिए, मल्लिका विघ्नमित्रम। ठीक है, ये जो है कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है, और आपका कुमार संभोम भी कालिदास का है, लेकिन जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अब हमें मैच कराना है। ठीक है, लिस्ट वन में देखते हैं। देखिए, पाणिनि, वात्सायन, चाणक्य और कल्हण। ठीक है, और दूसरे साइड में जो लिस्ट है उसमें है कामसूत्र, राजतरंगिनी, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। ठीक है, अब हमें मैच कराना है, देखते हैं। हाँ, तो देखिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। वात्सायन का कामसूत्र है, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, और कल्हण ने लिखा था राजतरंगिनी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द नेम ऑफ द कल्हण्स बुक? तो कल्हण के बुक का क्या नाम है, ये पूछ रहे हैं। कल्हण की बुक का नाम है राजतरंगिनी। अभी हमने जस्ट कवर किया इसको। राजतरंगिनी रिटन बाई कल्हण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके समय जो है ये एसोसिएट करता है, किस चीज से? देखिए, चंद्रगुप्ताज रेन, एंथोलॉजी ऑफ लिरिक्स, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और रेन ऑफ द कृष्ण देव राय। तो सही जो उत्तर है आपका ये है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर की हिस्ट्री से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है देखिए कल्हण कश्मीरी वॉज द ऑथर ऑफ द राज तरंगिनी। राज तरंगिनी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, राज मतलब राजा और तरंगिनी मतलब होता है तरंग यानी कि रिवर, तो रिवर ऑफ किंग्स विच गिव्स अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में देता है। इवन जो राजा थे उनके एंसेस्टर कौन थे ये सारी चीज़ें ये कवर करते हैं, पूरी फैमिली जो ट्री होती है किंग्स की वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, तो किसने लिखा था, पाणिनी ने अष्टाध्यायी को लिखा था, किसने, पाणिनी ने। ठीक है, अब फिर से हमें मैच कराना है और इसमें जो राइटर्स हैं और वर्क है, ऑथर और वर्क। ठीक है, ऑथर कौन है, भरावी हर्ष, और इधर साइड में कौन है, कर्पूर मंजरी और कीर्तार्जुनीयम, कर्पूर मंजरी और कीर्तार्जुनीयम। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है कालिदास और राजशेखर, और इधर है मालविकाग्न मित्रम, क्या है, मालविकाग्न मित्रम, और नेक्स्ट हमारा है नागनंद। ठीक है, तो हमें मैच कराना है, देख लीजिए, भारवी का है कीर्तार्जुनीयम, भारवी का क्या है कीर्तार्जुनीयम, हर्ष का है नागनंद, हर्ष का क्या है नागनंद, कालिदास का है मालविकाग्न मित्रम, और राजशेखर का है कर्पूर मंजरी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, भारवी का है कीर्तार्जुनीयम, हर्ष का है नागनंद, कालिदास का है मालविकाग्न मित्रम, और राजशेखर का है कर्पूर मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स हैज रिटन देयर थीम्स फ्रॉम महाभारत, तो महाभारत से कौन सी थीम्स ली गई हैं, देखना है हमें। देखिए ये जो है कौन सा करेक्ट है, दस कुमार चरित नहीं लिया गया है, ये सही, हमारा दस कुमार चरित नहीं लिया गया है, शिशुपाल वध, कीर्तार्जुनीयम और नैसिद्ध चरिता, ये सारी चीजें जो है महाभारत से ली गई हैं, दस कुमार चरितम नहीं ली गई है। ठीक है, तो देखिए हाँ, नैसिद्ध चरिता इज द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती इन द महाभारत रिटन बाय संस्कृत। ठीक है, तो ये जो है नल और दमयंती की स्टोरी है संस्कृत में लिखी गई है। कीर्तार्जुनीयम इज एन इपिक पोएम डिस्क्राइबिंग द कॉम्बैट बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड शिवा। ठीक है, इट एक्सपेंड्स अपॉन अ माइनर एपिसोड इन द वन पर्व। ठीक है, तो वन पर्व में जो है ये आपका है कीर्तार्जुनीयम। ठीक है, फॉरेस्ट बुक है ये, इन द महाभारत। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में कीर्तार्जुनीयम है, जिसमें जो है अर्जुन और शिव के जो है उनके बीच की जो बातें हैं वो जो है लिखी गई हैं। ठीक है, उनके बीच में जो भी उस टाइम जो इवेंट्स है वो लिखे गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, माघा रोट शिशुपाल वध विच इज बेस्ड ऑन द महाभारत इन विच शिशुपाल इंसल्टेड लॉर्ड कृष्णा हु बिहेडेड हिम ऑन द इशूइंग ड्यूल। एंड देखिए इसमें क्या था कि उन्होंने जो है अपना शिशुपाल का उन्होंने वध किया था, ये बात थी कि 100 गलती अगर पार कर देंगे ये तो जो है शिशुपाल का वो वध कर देंगे, आई थिंक उनके बुआ के लड़के थे ये, तो 100 गलती जो है माफ थी उनको, 101वीं गलती होती तो उनका जो है वध हो जाता, तो उनका वध कर दिया गया था कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का। और नेक्स्ट हमारा है दस कुमार चरितम वॉज रिटन बाय दांडी एंड इज रिलेटेड टू द एडवेंचर ऑफ 10 प्रिंसेस, तो ये जो है महाभारत से रिलेटेड नहीं है दस कुमार चरितम, ये दांडी ने लिखा था, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन में है विशाखदत्त, वाराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, लिस्ट टू में है मेडिसिन, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, हमें मैच कराना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा मैच है इसका। देखिए मुद्रा राक्षस इज अ हिस्टोरिकल ड्रामा इन संस्कृत, मुद्रा राक्षस क्या है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, संस्कृत में है, विशाखदत्त ने लिखा था, अभी हमने ऑलरेडी अभी इसको जस्ट हमने कवर किया है। और वाराहमिहिर वाज रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर, कौन थे वाराहमिहिर, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बृहत जातक, बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका आर सम ऑफ हिज लीडिंग लिटरेरी वर्क्स, किसके, ये जो है वाराहमिहिर के, कौन कौन से हैं वाराहमिहिर के, एस्ट्रोनॉमर तो है ही वो, उन्होंने कुछ चीजें लिखी थी, क्या क्या, बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, वाराहमिहिर का है, आर सम ऑफ हिज लीडिंग लिटरेरी वर्क्स। चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चरक किसके कोर्ट में थे, ये कनिष्क कोर्ट में बहुत ही अच्छे जो है फिजिशियन थे, ही इज नोन फॉर हिज कॉम्पोजिशन चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता उन्होंने लिखी थी। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन, ब्रह्मगुप्त कौन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है,
कि चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, चरक संहिता कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आपने अभी देखा चरक संहिता जो है कनिष्क कोर्ट में फिजिशियन थे वो मेडिसिन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका ऑफ वाराह मिहिर इज बेस्ड अपॉन, ठीक है, पंच सिद्धांतिका जो वाराह मिहिर का है वो किसका है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे है, ठीक है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए कालिदास रघुवंशा क्या है, कालिदास रघुवंश, भास का है स्वप्नवास दत्त, और आपका नेक्स्ट है हमारा सुबंध, सुबंध का कादंबरी नहीं है, ये हमारा गलत हो जाता है, सुबंध कादंबरी नहीं है, ठीक है। जो कादंबरी है वो रचना है बाण भट्ट की, यहाँ पे सुबंध लिखा हुआ तो ये आपका गलत आंसर है, याद रखिएगा कादंबरी किसकी रचना है, ये बाण भट्ट की रचना है, ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट हमारा है हर्ष, हर्ष ने रत्नावली लिखी थी, ये सही है, ठीक है। तो देखिए सी इज नॉट करेक्टली मैच बिकॉज कादंबरी वॉज रिटन बाय द बाण भट्ट नॉट द सुबंध, ठीक है, कादंबरी बाण भट्ट ने लिखी थी, सुबंध ने नहीं लिखी थी, रेस्ट आर करेक्टली मैच्ड और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो इज अ क्या है, मिलिंद पन्हो क्या है, संस्कृत ड्रामा है, जैन क्रॉनिकल है, पर्सियन एपिक है, ये पाली टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट है, क्या है, पाली टेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, ठीक है, देखते हैं। देखिए द मिलिंद पन्हो इज अ बुक इन पाली लैंग्वेज विच, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक डायलॉग होता है मिलिंद पन्हो में, किसके 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 बीच में, इंडियन मॉन्ग जो नागसेन होते हैं और ग्रीक जो इंडियन ग्रीक जो किंग होते हैं मिनेंडर या मिलिंद उनको बोलते हैं, मिनेंडर बोलते हैं, उनके बीच का जो संवाद होता है वो जो है मिलिंद पन्हो में है और ये पाली टेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हा थ्रू लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर, तो ये जो होते हैं मिनेंडर होते हैं उनके जो है उस पर, यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, हेरोडोटस सेकेंड, हेरोडोटस और स्ट्रेटो फर्स्ट, तो सही उत्तर है मिलिंद पन्हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिलिंद पन्हो इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क, कौन थे वो, नागसेन थे, मिनेंडर और नागसेन के बीच में जो डायलॉग है वो जो है मिलिंद पन्हो में लिखा गया है, एज इट इज उसको लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, कौन सा सोर्स है जो एंशियंट इंडिया के ट्रेड रूट के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। तो देखिए संगम साहित्य है वो बिल्कुल एंशियंट इंडिया के ट्रेड पोर्ट के बारे में उसमें है, जातक टेल्स में भी है और मिलिंद पन्हो में नहीं है, ठीक है। मिलिंद पन्हो में क्या है, नागसेन और मिलिंडर के बीच की वार्ताएं हैं, ठीक है। मिलिंद पन्हो इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, तो हमारा बी आंसर सही होगा। अभी हमें मैच कराना है, लिस्ट दो लिस्ट दी हुई है, देखिए पहला लिस्ट क्या है, पहला लिस्ट हमारा कोर्ट पोएट्स का है और दूसरा किंग्स का है, तो किसके कोर्ट में कौन थे ये हमें देखना है। देखिए फर्स्ट हमारा है अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेड़ और बाणभट्ट, ठीक है। सेकेंड हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और अलाउद्दीन खिलजी, हमें कराना है मैच, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड जो है कोर्ट पोएट थे किसके, कालिदास के, और इन्होंने क्या क्या लिखा था, इन्होंने लिखा कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये जो है रचनाएं हैं किसकी, कालिदास की, कुमार संभवम, रघुवंशम और मालिकाग्निमित्रम, ठीक है, मालिकाग्निमित्रम, ये जो है किसकी है, ये आपकी चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट में कालिदास है उनकी है। समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन थे, हरिसेन थे, कौन थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसेन थे, हर्षवर्धन में बाणभट्ट थे और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके में अमीर खुसरो थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में कौन थे, अमीर खुसरो थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो ये है द कंटेम्प्रेरी ऑफ रूलर कल्हन द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी वॉज, तो राज तरंगिनी के जो राइटर हैं कल्हन उनके जो है कंटेम्प्रेरी कौन है, उनके समकालिक कौन है, तो देखिए जय सिंह जो है उनके समकालिक हैं। और आगे वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन जो है खिलजी के कोर्ट पोएट थे, अमीर खुसरो की आप कुछ रचनाएं समझ लीजिए, जान लीजिए कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। देखिए इसमें है तारीख इलाही या तारीख अलाई, ठीक है, सॉरी तारीख अलाई है ये, तारीख अलाई, किरान उस सादेन, आशिका, मिफ्ता उल फतूह, ये सारी रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। एक बार फिर से सुनिए, तारीख अलाई, किरान उस सादेन, आशिका और मिफ्ता उल फतूह, ठीक है। कालिदास का मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसमें जो जय सिंह हैं वो जो है कंटेम्प्रेरी होते हैं जो कश्मीर के रूलर हैं कल्हन के, ठीक है। जय सिंह
वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ कश्मीर रूलर ऑफ कल्हण द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी. कल्हण कंप्लीटेड हिज पॉनियर क्रिएशन राज तरंगिणी इन द रेन ऑफ द जयसिंह. जयसिंह के समय में उन्होंने अपना जो जो है राज तरंगिणी जो उनका क्रिएशन था उसको कंप्लीट किया था. राज तरंगिणी इज अ कलेक्शन ऑफ 8 तरंगास. 8 तरंगे हैं राज तरंगिणी में एंड 8000 वर्सेस हैं. 8000 वर्सेस आर देयर इन राज तरंगिणी. ठीक है. कन्वेंशनल एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज नरेटेड इन द फर्स्ट 3 तरंगास. और अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें कश्मीर की तो पहले 3 तरंगाज में जो 8 तरंग है 8 में से 3 तरंग में जो है एंशियंट जो हिस्ट्री है कश्मीर की वो जो है मेंशन है. ठीक है. हाउ मेनी तरंगाज आर इन राज तरंगिणी ऑफ कल्हण. ठीक है. कल्हण की राज तरंगी में कितने तरंग हैं तो वो देखिए 8 तरंग हैं कल्हण की राज तरंगी में. कितने हैं 8 तरंग हैं. नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राज तरंगिणी ऑफ कल्हण. किसने कंटिन्यू किया तो देखिए जो राज तरंगिणी है उसको कंटिन्यू किया गया है आपका जोन राजा और श्री वारा के द्वारा. किसके द्वारा? जोन राजा और श्री वारा के द्वारा. ठीक है. जोन राजा और श्री वारा ने इसको कंप्लीट किया था. राज तरंगिणी इज द मटीरियल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ द कश्मीर वॉज रिटन इन संस्कृत बाय द कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण. ठीक है. जय सिंह जो है किंग थे उसी के समय में जो है उन्हीं के समय में कल्हण जो है एक ब्राह्मण थे उन्होंने जो है ये पूरा लिखा था राज तरंगिणी. और इसमें मेनली जो इंडियंस जो है वेस्टर्न जो इंडिया है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किंग्स के बारे में लिखा हुआ है कि 12th सेंचुरी की रचना है. कब की है? 12th सेंचुरी की रचना है. ठीक है. जोन राजा कंटिन्यूड द नरेशन डाउन टू द रीन ऑफ द सुल्तान जैनुल आबदीन. तो जोन राजा ने जो है राज तरंगिणी को बढ़ा के कब तक लिख दिया? जैनुल आबदीन के जो है टाइम तक का लिखा और कॉल्ड इट लाइक कल्हण राज तरंगिणी या जो है उसको कल्हण राज तरंगिणी उन्होंने उसको कहा या राजा वली भी कहा. आफ्टर हिज डेथ द जोना राजा. ठीक है. जोन राजा की डेथ के बाद 1459 में उनके प्यूपल थे उनके शिष्य थे श्रीवारा. ठीक है. कौन थे? श्रीवारा. जोन राजा के शिष्य थे श्रीवारा. उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा कश्मीर की हिस्ट्री को और कॉल्ड जैना राज तरंगिणी एंड ब्रॉट इट डाउन टू द 1459 टू 1486. ठीक है. तो ये जो है यहाँ तक लेके आया इसको. श्रीवारा डाइड और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता गया. ठीक है. तो ये चीजें हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है. हाँ, सौंदरानंद वॉज कंपोजिशन ऑफ. सौंदरानंद किसकी कृति है? तो देखिए सौंदरानंद जो कृति है वो अश्वघोष की है. ठीक है. सौंदरानंद एग्जाम में जो है बहुत सारी कृतियां आप याद कर लेंगे तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए. इसके लिए आप इसको एक बार दो बार जिसको सुनते रहिए या आप जो है जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है. ठीक है. तो उसको याद करते रहिए. सौंदरानंद किसकी है? अश्वघोष की है. देखिए अश्वघोषा अ नोटेड पोएट इज कंसिडर्ड To be instrumental in the spread of the Buddhism. ठीक है. तो अश्वघोष ने बहुत ही अच्छे पोएट थे. उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था. ही वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ द फेमस कोर्ट पोएम ऑफ हिज टाइम्स. क्या है? कॉल्ड सौंदरानंद काव्य. उन्होंने सौंदरानंद काव्य लिखा था. दिस पोएम वॉज डिस्कवर्ड एंड एडिटेड बाई द पंडित. और एक पंडित हैं जो है उनका क्या नाम है? उनका नाम है हरा प्रसाद. ठीक है. हरा प्रसाद होता है नॉर्मली. हरा प्रसाद है इसमें. तो उन्होंने जो है इसको सौंदरानंद जो है आगे एडिट किया. हरा प्रसाद शास्त्री. ठीक है. नेक्स्ट है नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के राइटर कौन है? नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के राइटर कौन है? मुझे पता है आपको गेस हो चुका होगा. ये हर्षवर्धन है. ठीक है. हर्षवर्धन है नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो है राइटर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर्षवर्धन एक बहुत ही जो है महान राजा भी थे. उनकी जो है कुछ कृतियां भी हैं तो आपको कृतियां ध्यान रखनी है. क्या कौन कौन सी है? नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका. ठीक है. अब देखिए बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट कॉन्करर बहुत ही अच्छे जो है बहुत ही महान कॉन्करर मतलब जो जीत विजित करते हैं जीत हासिल करते हैं विजय श्री प्राप्त करते हैं उसके अलावा रिलीजियस माइंडेड पर्सन थे ये. जेनरस किंग थे ये. हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो द ग्रेट लवर ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग. ठीक है ना. उन्होंने जो है धार्मिक कुछ आयोजना भी किया था. कहाँ कहाँ पे आयोजन हुआ था? आपका प्रयाग में और कहाँ पे हुआ था? कन्नौज में हुआ था. ठीक है. हर 5 वर्ष होता था. मैंने सब डिस्कस किया था. ही इज सपोज टू बी द ऑथर ऑफ द रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद. ठीक है. हिस्टोरियन सेज हर्षा वॉज पैटर्न ऑफ लेटर्स. ही अपीयर्स टू हैव विल्डेड
द पेन विद नो लेस डेक्सट्रिटी एंड एफेक्ट देन द सॉर्ड. मतलब क्या है कि उन लोग ये बिलीव करते थे कि उनकी पेन में जितनी ताकत है, जितनी ताकत एक तलवार में होती है, उतनी ही ताकत हर्ष के पेन में भी हुआ करती थी, उनके जो है पत्रों में हुआ करती थी. ठीक है, तो ये जो है कहना था. इनके तीन प्लेज हैं, कौन कौन से? रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद, विच आर सेट टू बी कंपोज बाय द किंग नेम्ड हर्षदेव. तो एक नाम मिला है, हर्षदेव ने लिखा है, तो हर्षदेव को रिलेट किया गया है जो कन्नौज के हर्ष हैं. ठीक है, हर्षवर्धन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर ऑथर्ड बाय हर्षा. कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद. अभी देखा हर्षचरित्र, जो हर्षचरित्र उनकी नहीं है बल्कि उनके पोर्ट जो कोर्ट पोएट हैं, जो बाणभट्ट हैं, उन्होंने लिखा था. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अमंग द फोर वर्क्स मेंशनड बिलो, विच वन इज इनसाइक्लोपीडिया इन नेचर. इनसाइक्लोपीडिया नेचर में कौन है ये हमें बताना है. तो ये जो है आपका है बृहत संहिता. बृहत संहिता जो है इनसाइक्लोपीडिया नेचर का है. ठीक है, और ये 13 वाला जो है ये उल्टा हो गया, इसको मैं यहाँ अलग से कर लिया है, ये देख लीजिए. हाँ देखिए, बृहत संहिता ऑफ वाराह मिहिर. क्या है? बृहत संहिता ऑफ वाराह मिहिर इज एन इनसाइक्लोपीडिया. बृहत संहिता किसका है? वाराह मिहिर का है. बृहत संहिता किसका है? वाराह मिहिर का है. और ये क्या है? इनसाइक्लोपीडिया है. क्या है? इनसाइक्लोपीडिया है ऑफ वर्क रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ठीक है, बृहत संहिता किसका है? वाराह मिहिर का है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें करेक्टली मैच कौन कौन सा ये बता देना है. ठीक है, फर्स्ट हमारा है मृक्षकटिकम शूद्रक. बिल्कुल सही है, मृक्षकटिकम शूद्रक है. बुद्धचरित वसुबंधु, बुद्धचरित वसुबंधु का नहीं है. ठीक है ना, बल्कि कनिष्क के जो है पोएट, कोर्ट पोएट होते हैं, उन्होंने अश्वघोष ने लिखे थे बुद्धचरित. ठीक है, तो अश्वघोष का है तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मुद्रा राक्षस. तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी. बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त हैं. और हर्षचरित बाणभट्ट. तो ये हमारा बुद्धचरित अश्वघोष है. यहाँ पे वासुदत्त लिखा तो गलत हो जाएगा. देखिए, बुद्धचरित वाज नॉट कंपोज्ड बाय वासुबंधु. इन फैक्ट इट इज अ पोएटिक नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा बाय द संस्कृत पोएट अश्वघोष. ठीक है, तो पोएटिक नरेशन है ये. पोएटिक नरेशन किसके लिए है? बुद्धा के जीवन के लिए है. और एक संस्कृत के स्कॉलर हैं, बहुत बड़े पोएट थे, उनका नाम अश्वघोष था, उन्होंने ही लिखा था. ठीक है, रिमेनिंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो सारे बाकी सही हैं. नेक्स्ट हमारा है मैच करना. अगेन हमें मैच करना है. ठीक है, तो मैच क्या करना है, देख लीजिए. ऑथर है और जो है दूसरा हमारा क्या है, टेक्स्ट है. तो ऑथर देख लेते हैं कौन है. देखिए, ऑथर जो है वाराह मिहिर, विशाखादत्त, शूद्रक और कौन है, बिल्हड़. ठीक है, बिल्हड़ या बिल्हन. ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, मैच करना है दूसरे से. दूसरे में क्या है, प्रबंध चिंतामणि, मृक्ष कटिकम, बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम और विक्रमाक देवचरित. ठीक है, विक्रमाक देवचरित. तो ये हमें मैच कराना है. ठीक है, देखिए वाराह मिहिर का क्या है, बृहत संहिता. वाराह मिहिर ने क्या लिखा था, बृहत संहिता. ठीक है, नेक्स्ट हमारा विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम. ठीक है, वाराह मिहिर की है बृहत संहिता और विशाखदत्त की है देवी चंद्रगुप्तम. शूद्रक की मृक्ष कटिकम है, सबको पता है. और विल्हड़ जो है वो किसकी है, विल्हड़ ने लिखा था विक्रमादेवचरिता. क्या है, विक्रमादेवचरिता. ये जो है विल्हड़ की है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं है ये हमें बताना है. ठीक है, देखिए कर्पूर मंजरी, ये हर्ष ने नहीं लिखी है कर्पूर मंजरी. कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, राजशेखर की रचना. ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं है. नेक्स्ट हमारा है मालविकाग्न मित्रम. ठीक है, मालविकाग्न मित्रम किसकी है, कालिदास की है. तो नेक्स्ट हमारा है मुद्रा राक्षस, वो किसकी है, विशाखदत्त की है. और फिर सौंदरानंद अश्वघोष की है, सौंदरानंद अश्वघोष की है. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कहीं पे. चलिए ठीक है, तो सौंदरानंद किसकी है, अश्वघोष की है. ठीक है, ये हो गया आपका. देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो यही क्वेश्चन था, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो देखिए कर्पूर मंजरी किसकी है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की, गलत हो गया। सौंदरा नंदा शोघोष की है, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, और मालविकाग्न मित्रम जो है कालिदास की, ये भी सही है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए कर्पूर मंजरी वॉज नॉट रिटन बाई हर्षा, इट वॉज रिटन बाई द राजशेखर द कोर्ट पोएट ऑफ द गुर्जर प्रतिहार के कोर्ट पोएट थे राजशेखर, उनकी लिखी हुई है। हु रोट, किसने जो है लिखा था आपका शाकुंतलम, शाकुंतलम किसकी रचना है। ठीक है, तो शाकुंतलम आपको पता है कि कालिदास जी की रचना है। देखिए कालिदास वॉज संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर ऑफ एनी, किसी भी समय में सबसे जो महान राइटर हैं वो कालिदास को माना जाता है। द सेवन वर्क्स आइडेंटिफाइड एज जेन्युइन आर, कौन कौन सा है, सात जो उनके काम है जो बहुत ही जो है उनके बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही अभी भी जो है बहुत उनका बहुत वैल्यू है। इवन वो जो आपके क्लाइमेट को लेके है ना, उन्होंने क्लाइमेट को लेके बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या है उनका, जो उनकी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो उनका है क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर आपका है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोवर्षीय, ठीक है। और ये जो है आपके महान जो बहुत बड़ी रचनाएं हैं इनकी, वो ये हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीय और मालविकाग्न मित्रम। फिर आपका है नेक्स्ट रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, ऋतु संहारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास, किसका जो है लिटरेरी मास्टरपीस, मृक्षकटिकम नहीं है, ठीक है, बाकी मेघदूत, ऋतु संहार और आपका विक्रमोवर्षीय, ये जो है इन्हीं का है, लेकिन मृक्षकटिकम नहीं है, मृक्षकटिकम सूत्रक का है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए जो मल्लिकाग्न मित्रम है, ठीक है, रिटन बाय कालिदास, वो क्या है, ठीक है, किस किसके बारे में प्ले है। तो देखिए अग्निमित्र का है, अग्निमित्र से रिलेट करता है। द फर्स्ट प्ले कंपोज बाय द ग्रेट पोएट कालिदास इज मालविकाग्न मित्रम, ऑफन इट इज कॉल्ड एज द कालिदास मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम कहा जाता है। एज एन ऑथर ऑफ टू ऑनर टू कालिदास, उनको सम्मान देने के लिए, दिस प्ले कंसिस्ट ऑफ फाइव एक्ट्स अबाउट द लव स्टोरी ऑफ द किंग अग्निमित्र ऑफ विदिशा। पांच जो है इसमें जो है एक्ट है। पहला क्या है, उसमें लव स्टोरी है किसकी, किग्न अग्निमित्र की, किसकी, किग्न अग्निमित्र, जो विदिशा के राजा होते हैं अग्निमित्र, फ्रॉम द सुंग डायनेस्टी, वो सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ, अब जो है, और मालविका एक जो है होती हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, हु वॉज मेड ऑफ द क्वीन धरणी, ठीक है, धरणी की जो है मेड होती है, उनकी जो है सहायिका होती हैं, उनसे जो है उनका प्रेम का जो वर्णन किया गया है अग्निमित्र से, वो जो है पूरा मालविकाग्न मित्रम जो है उसमें है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैज लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। देखिए मालविकाग्न मित्रम जो है वो है, ये पूरी स्टोरी है इसमें, ठीक है ना, जो किसका है मालविकाग्न मित्रम, तो मैंने कहा था अग्निमित्र, ठीक है, शुंग डायनेस्टी के ये अग्निमित्र बिलोंग करते हैं, उन्हीं की है। द ऑथर ऑफ द स्वप्नवास दत्ता इज रिटन इज, तो ऑथर कौन है स्वप्नवास दत्ता के, ये जो है आपके भास हैं, कौन है, भास हैं स्वप्नवास दत्ता के। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हम कर रहे थे वहीं पे आते हैं, हाँ, तो ये हो गया, और अब जो है हमें नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारा स्वप्नवास दत्त, जिसे संस्कृत, देखिए संस्कृत में लिखी गई एक रचना है, एक ग्रेट पोएट है जिनका नाम है भास ने लिखा था स्वप्नवास दत्तम। दिस ड्रामा डिस्क्राइब द लव स्टोरी ऑफ द वत्स किंग उदयन एंड वास दत्ता, डॉटर ऑफ द अवंती किंग प्रद्योत, ठीक है। तो इसमें ये भी एक लव स्टोरी है स्वप्नवास दत्ता, जिसमें जो है एक वत्स किंग होते हैं उदयन, और वास दत्त होती हैं अवंती के की जो है राजा के प्रद्योत की पुत्री होती हैं, प्रद्योत की पुत्री होती हैं वास दत्त, और उदयन जो होते हैं वो वत्स के किंग होते हैं। उनकी लव स्टोरी के बारे में ये जो है यहाँ पे वर्णन किया गया। हु इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद, गीत गोविंद के ऑथर जो है जयदेव हैं, कौन है, जयदेव।
देखिए गीत गोविंद इज एन इपिक पोएम रिटन इन संस्कृत बाय जयदेव इन 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी, ठीक है, 11th और 12th सेंचुरी में जो है गीत गोविंद लिखा गया है, ठीक है। जयदेव वॉज द रॉयल पोएट इन द कोर्ट ऑफ द किसके, किंग लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन, बंगाल के जो किंग होते हैं लक्ष्मण सेन, उनके बारे में जो है ये लिखा गया है, ठीक है, उनके बारे में ये मेंशन है, ठीक है। क्या है, जयदेव के जो है रॉयल पोएट होते हैं किंग लक्ष्मण, जयदेव रॉयल पोएट होते हैं किंग लक्ष्मण सेन के, जो बंगाल के होते हैं, उन्होंने गीत गोविंद लिखा था, और कब लिखा था, 11th और 12th सेंचुरी में लिखा गया था ये। हाँ, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स है इसमें, ईच चैप्टर इज फॉर द सब डिवाइडेड इनटू द 12 फोर डिविजन्स, 12 सब डिविजन में डिवाइड किए गए हैं, और इनको क्या कहते हैं, प्रबंध, ठीक है, जो बाकी जो और जो है 12 डिविजन्स हैं इनको प्रबंध कहा जाता है। द प्रबंधा कंटेन्स, देखिए इसमें बहुत सारे अष्टपद है, जो 8 अष्टपद है वो 8 जो है पदास में डिवाइड किए गए हैं, ये जो प्रबंध भी है, ठीक है, तो ये आपका है। हुज कोर्ट वाज, देखिए किसके कोर्ट में, जयदेव जो है वो कंपोजर थे जो गीत गोविंद के, वो किसके कोर्ट में थे, तो ये लक्ष्मण सेन के थे बंगाल में, 12th और 13th सेंचुरी की आसपास की बात है। किसने कंपोज किया था गीत गोविंद, तो जयदेव ने कंपोज किया था, अभी हमने देखा, ठीक है। अभी हमें फिर से क्या करना है, लिस्ट को हमें मैच कराना है, ठीक है, लिस्ट हम देखते हैं। देखिए लिस्ट में है अष्टांग संग्रह, दश रूपक, लीलावती और महाभाष, अष्टांग संग्रह, दश रूपक, लीलावती और महाभाष, ठीक है। लिस्ट टू में है, ये क्या है, ये प्ले है, ये ग्रामर है, मैथ्स है या मेडिकल, तो किसको किससे हमें मैच कराना है, जो इसमें देखते हैं। हाँ, देखिए अष्टांग संग्रह क्या है, अष्टांग संग्रह एक मेडिसिन पे बुक है, ठीक है, मेडिसिन पे रचना है अष्टांग संग्रह, दस रूपक है, एक प्ले है, ठीक है, लीलावती मैथ्स पे है, और महाभाष्य ग्रामर पे है। फिर से देख लीजिएगा, अष्टांग संग्रह किस पे है, अष्टांग संग्रह मेडिसिन पे है, दस रूपक प्ले है, लीलावती मैथ्स है, और महाभाष्य ग्रामर है, ठीक है, तो ये हो गया। दे राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर विद इट्स फ्रूट्स, ठीक है, क्या है, अच्छा इसमें है कि राइट इज द वर्क ओनली बट नेवर विद द फ्रूट्स, विद इट्स फ्रूट्स, ये जो है कहाँ पे स्टेट किया गया था, तो देखिए इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तो आप सभी लोग को पता है गीता में जो है लिखा गया है इस तरीके की, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, मतलब क्या है कि कर्म पे जो है आपका अधिकार कर्म पे है, फल की प्राप्ति पे आपका कोई अधिकार नहीं है, उसकी आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए, तो ये है। नेक्स्ट हमारा है, इन विच एपिक इट इज इट वॉज टोल्ड वॉट इज हियर इज ऑल्सो एल्सवेयर बट इट बट इफ नॉट हियर इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब क्या है, जो यहाँ है वो हर जगह है, सभी जगह वही है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, ये महाभारत में है, ठीक है, महाभारत में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, विच एंशियंट इंडियन बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द 15th इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र को 15 इंडियन और जो है 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में जो है क्या किया गया था, उसको ट्रांसलेट किया था। पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन एनिमल्स, देखिए इसमें क्या है, पंचतंत्र एक कलेक्शन ऐसा है, और किसका किसका है पंचतंत्र, ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, किसका, विष्णु शर्मा का है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, इनको 15 इंडियन लैंग्वेजेस और 40 जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में इनका ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। रूट गर्टन है 1924 में, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था पंचतंत्र के 50 से अधिक जो है भाषाओं में और 200 से अधिक स्वरूपों में उपलब्ध है पंचतंत्र, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। ये अगर हम देखें तो इंडिया की जो बहुत सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स जो ट्रांसलेटेड ये बुक है मानी जाती है, और मुगल टाइम में पंचतंत्र जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मुगल एरा इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई अबुल फजल अंडर द नेम ऑफ द अनवर ए सुहेली, ठीक है, किसके नाम से, अनवारे सुहेली, और इस या तो कह सकते हैं अनवर ए सुहेली, तो ये किसने किया था, ये अबुल फजल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन बाय, तो देखिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। नेक्स्ट हमारा है, मैच कराना है, और मैच में क्या है, सर्व वर्मा शूद्रक, और लिस्ट टू में है मिताक्षरा राज तरंगिनी, देखते हैं आगे।
फिर है विज्ञानेश्वर और कल्हण, और दूसरा है मृक्ष कटिकम और कातंत्र। तो हमें देखना है कि किससे किसका मैच होगा। तो सर्ववर्मा जो है वो क्या है, सर्ववर्मा कातंत्र है। सर्ववर्मा क्या है, किसका है, कातंत्र। ठीक है, सर्ववर्मा कातंत्र याद रखिएगा। शूद्र किसका, मृक्ष कटिका का। विज्ञानेश्वर है मिताक्षरा, और नेक्स्ट आपका आएगा कल्हण का राजतरंगिणी। तो सर्ववर्मा याद रखिएगा, सर्ववर्मा है जो है आपका कातंत्र, सर्ववर्मा का कातंत्र है। जो शूद्रक है उनका मृक्षकटिकम है, और विज्ञानेश्वर का क्या है, मिताक्षरा, और साथ में आपका जो है आता है कल्हण का राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा की फील्ड में किसको अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, तो ये है भास्कर। ठीक है, भास्कर को जाना जाता है एलजेब्रा की फील्ड में। ठीक है, देखिए भास्कराचार्य इज ऑल्सो नोन एज द भास्कर सेकेंड, रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज इन 12th सेंचुरी। ठीक है, देर आर सिक्स वेल नोन वर्क्स ऑफ भास्कराचार्य, छह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके काम है भास्कराचार्य के, 12th सेंचुरी में थे ये। कौन कौन से हैं काम, लीलावती मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लीलावती किसके लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, और ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। हाँ, ये एक कोई इनकी रचना है जो अलजेब्रा के लिए है, अभी मैं देख के बता देती हूँ। सिद्धांत शिरोमणि वॉज द फर्स्ट मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी एंड सेकेंड पार्ट, इनका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, एक सेकेंड मैं इसको देख लेती हूँ एक बार। इसमें देखिए जो इनको भास्कर सेकेंड के नाम से जाने जाते हैं एलजेब्रा के फील्ड में, एलजेब्रा के फील्ड में जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी फेमस बुक है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि, हाँ अब ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्लियर हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि जो है चार पार्ट्स में डिवाइड है, कौन से, लीलावती। ठीक है, लीलावती, बीज गणित, ये बीज गणित था एलजेब्रा के लिए, बीज गणित है, और ग्रह गणित। ठीक है, ये बीज गणित और ग्रह गणित जो है किसके लिए है, ग्रह गणित और गोलाध्याय। ठीक है, ग्रह गणित और गोलाध्याय, ये जो है इनके जो है चार जो है पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है लीलावती इज द, देखिए लीलावती के बारे में पूछ रहे हैं, लीलावती किसकी रचना है और किस सब्जेक्ट में है। तो लीलावती जो है ये मैथमेटिक्स के लिए है, और ये भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा है आर्यभट्ट जो है किसके लिए जाने जाते हैं, तो आर्यभट्ट जो है नेशनल मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, हाँ देखिए द बुक डील्स विद मेनी टॉपिक लाइक एस्ट्रोनॉमी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, जो उसको मैंने क्या बताया था अभी आपको बताया था गोलाध्याय। ठीक है, तो ये जो है क्या है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक्स, एलजेब्रा और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें जो है इसमें जो है वर्णित है। इन द फील्ड ऑफ द एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्टा वॉज द पायनियर टू इन्फर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। तो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ही उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले बताया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल है, और ये सन को तो रोट जो है अराउंड जो है रिवोल्यूशन तो करती ही है, इट इज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने भी एक्सिस पे वो रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, और घूमते हुए सन को जो है सन का चक्कर लगाती है, उन्होंने कहा था। और इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, किसको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, तो ये जो है आपके भास्कर हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिक्स, किसने जो है इन्वेंट किया डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल दशमलव प्रणाली किसने, आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली। ठीक है, आर्यभट्ट ने। ठीक है, देखिए कौन थे ऑथर ऑफ द मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के ऑथर कौन थे। ठीक है, मत विलास प्रहसन के ऑथर कौन थे, तो ये थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, मत विलास प्रहसन के ऑथर जो थे वो थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, लीलावती किसकी बुक है, लीलावती जो है भास्कराचार्य की है, लीलावती किसकी है, भास्कराचार्य की है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और आर्यभट्ट जो थे वो थे जो है इंडियन जो मैथमेटिक और खगोल शास्त्र, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो है ये थे आर्यभट्ट। ठीक है, देखिए मत विलास प्रहसन वॉज रिटन बाय द किसके बारे में लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, ये जो है
महादेव वर्मा, महादेव वर्मा के बारे में जो है मत्तविलास प्रश्न लिखा गया है, ठीक है, इस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में है, ठीक है। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है मनुस्मृति, सोशल सिस्टम से, ठीक है, सोशल सिस्टम से मनुस्मृति। मनुस्मृति इज ऑल्सो नोन एज द मानव धर्म शास्त्र, ठीक है, मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति में है। इज मेनली रिलेटेड टू द सोशल सिस्टम, इट इज द अर्लीस्ट मटीरियल वर्क ऑन ब्राह्मणिकल धर्म इन हिंदुइज्म। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी मनुस्मृति इज वॉट